स्टार। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है, कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में। कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारी भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता, इसलिए आप सबको फिर एक बार मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि यह साक्षात्कार आपका और हमारा हो रहा है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है, यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। यदि कहा जाए कि सन 1947 के बाद भारत की कोटि कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है और एक बार स्वराज मिला है और सच्चा स्वराज मिला है, जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसको वे उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संविधान में, हमारी संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनने से और विधानसभाओं के बनने से हमारा स्वराज्य पूरा नहीं हो सकता। हमारी स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उनको 4 वर्ष से संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया, केंद्र और राज्य स्तरों पर बनाया और उसके आनुषांगिक जो भी संस्थाएं और संगठन हो सकते थे, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग, इन सारी चीज़ों की कल्पना करके उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन बहुत कुछ उनको छोड़ देना पड़ा, 4 वर्ष में वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कई कारण थे। संविधान सभाओं की चर्चाओं में कई बातें आ गई थी। किसी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, किसी ने कहा कि इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने कुछ निर्देशक सिद्धांत दिए, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सरकारों को आगे कार्य करना था। उन्होंने कहा कि यह आप कीजिए, उनमें से पंचायती राज एक है। उन सिद्धांतों में यह भी है कि जितना शीघ्र हो सके यहाँ पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने अपने लिए लोकतांत्रिक पद्धति चुनी, अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति का क्या आशय होता है? सभापति महोदय, मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ बहुत दंगे हुए, लोगों को बड़ी परेशानी हुई,
और उनको इधर से उधर जाना पड़ा तो कुछ लोग कहने लगे कि इस स्वतंत्रता से हमें क्या मिला, इस जनतंत्र से हमें क्या मिला, इस लोकतंत्र से हमें क्या मिला। जब इतनी बर्बादी हुई, हम अंग्रेजी सरकार से किस तरह से बेहतर हैं। तो उस जमाने में लोगों के सामने जो परेशानी आई थी, जो उनका सामना नहीं कर सकती थी, उन्हें अंग्रेज सरकार अच्छी लगती थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार में उनको शांति थी। और हमारी जब सरकार आई तो अशांति हो गई। कुछ लोग स्वतंत्रता की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि निशुल्क ही मिले। हम जानते हैं कि और देशों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बहुत संख्या में मारकाट हुई। महात्मा गांधी के पुण्य से, उनके आशीर्वाद, उनकी पहल से और उनके बनाए हुए वातावरण से हमें बहुत थोड़ी कीमत ही स्वतंत्रता के लिए देनी पड़ी। फिर भी कुछ लोग इस कीमत को देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए यह कहना कि अगर एक बार हमें जनतंत्र मिल गया तो हमेशा के लिए पक्का रहेगा, यह ठीक नहीं है। हमारे समाज में ऐसे कमजोर लोग बहुत हैं जो समझते हैं कि यह पद्धति ही खराब है जिससे हमें परेशानी हुई है। कोई दुकानदार है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी आए और कौन सी पार्टी जाए। जनतंत्र आए या जाए, अंतर पड़ता होगा अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन प्रत्यक्ष में उनको अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए हमने आज यह काम किया है। पंचायती राज के माध्यम से हमारी संविधान निर्माताओं ने जो काम करवा कर दिखाना चाहा वह यह था कि लाखों हमारे लोग हमारे देश में इस नई प्रणाली में, इस नई व्यवस्था में जुट जाएं। पंचायती राज पहली बार 1959 में जब पंडित जी लेकर आए तो हमारी पंचायती समितियां आदि सब बनी, लेकिन और रूप में बनी तो उन पंचायती समितियों में कभी चुनाव हुए कभी नहीं हुए, और मुख्यमंत्री को ऐसा लगने लगा या जिस पार्टी का शासन उस राज्य में था उस पार्टी को ऐसा लगा अगली बार चुनाव कराएंगे तो शायद हमारा बहुमत नहीं आएगा, तो उन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं किए। स्टॉप।